समझेंगे कि गिफ्ट क्या है। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में आपको समझना होगा व्हाट इज गिफ्ट। गिफ्ट इज समथिंग व्हिच यू गिव टू समबडी विदाउट वॉन्ट ऑफ गेटिंग रिटर्न फ्रॉम हिम। जब आप कोई चीज किसी दूसरे पर्सन को वॉलंटरीली यानी अपने इच्छा से देते हो और आप ये ऐसा नहीं करते हो कि उसके तरफ से भी कुछ आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। ये क्या है? गिफ्ट है। गोमती बाई वर्सेस मधुलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर डोनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देना चाह रहा है तो उसे इन सभी इसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना है। नाउ व्हाट आर दीज इसेंशियल एलिमेंट्स? चलिए पहला, अब टॉपिक पे आते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 7 गिफ्ट को डिफाइन करते हुए उससे जुड़े हुए प्रोविजंस को होल्ड करता है और ये चैप्टर 7 स्टार्ट होता है सेक्शन 122 से लेकर के 129 तक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 122 को कवर करेंगे विद सिंप्लीफाइड नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो स्कोप है इज लिमिटेड। वो क्या है? लिमिटेड है, वो नैरो है, क्योंकि अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं मूवेबल या इमूवेबल जिनके ट्रांसफर के रिगार्ड में कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो वो स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर रखना है, स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड है। एंड इट्स प्रोविजंस, इसके जो प्रोविजंस है विल नॉट बी मेड एप्लीकेबल ऑन दोज प्रॉपर्टीज, इसके प्रोविजंस उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ विच एनी स्पेशल एक्ट हैज बीन पास्ड। यानी इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं जिनके ट्रांसफर के रिगार्ड में कोई स्पेशल एक्ट पास किया गया है। क्लियर है? अब हम ये समझेंगे कि गिफ्ट क्या है। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में आपको समझना होगा व्हाट इज गिफ्ट। गिफ्ट इज समथिंग व्हिच यू गिव टू समबडी विदाउट वॉन्ट ऑफ गेटिंग रिटर्न फ्रॉम हिम। जब आप कोई चीज किसी दूसरे पर्सन को वॉलंटरीली यानी अपने इच्छा से देते हो और आप ये ऐसा नहीं करते हो कि उसके तरफ से भी कुछ आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। ये क्या है? गिफ्ट है। क्लियर? व्हाट इज गिफ्ट? समथिंग व्हिच यू गिव टू समबडी वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से जब आप कोई चीज किसी पर्सन को देते हो विदाउट वॉन्ट ऑफ गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम हिम, बिना इस होप के कि वो भी आपको कुछ देगा, ये क्या है? गिफ्ट है। जैसे जब आप अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हो तो क्या करते हो? आप उसे गिफ्ट देते हो। हाँ, ये बात अलग रहता है कि आप केक एक्सपेक्ट करते हो या आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि उसके बर्थडे में मैंने गिफ्ट दिया था तो मेरे बर्थडे में भी वो गिफ्ट देगा। ये जोक्स अपार्ट, व्हाट इज गिफ्ट? तो गिफ्ट इज व्हाट? गिफ्ट इज गिविंग समथिंग टू समबडी वॉलंटरीली अपनी इच्छा से विदाउट वॉन्ट ऑफ गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम हिम, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। ये क्या है? गिफ्ट। क्लियर? गिफ्ट इन्वॉल्व्स, गिफ्ट में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, मूवेबल और इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, ठीक है। तो गिफ्ट मीन्स वॉट, गिफ्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और गिफ्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर अ प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के वो क्या है, गिफ्ट है। वॉट इज सेल, सेल क्या है, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, वो क्या है, सेल है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन टर्म्ड एज गिफ्ट, क्लियर। अब देखो सेक्शन 122 डिफाइन करता है गिफ्ट को, किन वर्ड्स में सेक्शन 122 गिफ्ट को डिफाइन करता है, आइए समझ लेते हैं। वेन अ पर्सन, जब एक पर्सन वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से, अपने विल से गिव्स अनदर पर्सन एनी प्रॉपर्टी, देता है दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी। देखो यहां पे लिखा गया है एनी प्रॉपर्टी, यानी इट विल कवर बोथ मूवेबल और इमूवेबल, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के वो क्या है, गिफ्ट है, क्लियर। अब गिफ्ट में दो पर्सन का, अब गिफ्ट में दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वन इज गिवर जो कि दे रहा है, जिसे हम डोनर कहेंगे, एंड सेकेंड पर्सन हु इज रिसीविंग द गिफ्ट, जो कि गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, उसे हम डोनी कहेंगे। व्हाट इज गिफ्ट, इट इज अ टू वे ट्रांजैक्शन, ये क्या है, सेल की तरह ही एक टू वे ट्रांजैक्शन है, सेल में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम बायर एंड सेलर कहते हैं। सेम उसी तरह गिफ्ट में भी दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, देने वाले को हम डोनर कहेंगे, लेने वाले को हम डोनी कहेंगे। सेल में भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, लेकिन सेल इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, लेकिन गिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो नोट करने वाली बात क्या है, देखो कह रहा है गिफ्ट एंड डोनेशन, गिफ्ट और डोनेशन बोथ आर कंसीडर्ड एज सेम, गिफ्ट और डोनेशन दोनों को हम सेम मानते हैं, क्यों, बिकॉज इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में देयर इज ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट राइट ओवर प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप, ठीक। तो गिफ्ट को या डोनेशन को हम सेम कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट राइट्स ओवर प्रॉपर्टी होता है, या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, इसलिए हमने गिफ्ट में गिवर को डोनर कह दिया है और रिसीवर को डोनी कह दिया है, क्यों, क्योंकि गिफ्ट एंड डोनेशन आर सेम, क्या है, सेम है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अब देखो, अब जब हम सेक्शन 122 के दूसरे पैरा को पढ़ते हैं, तो वहां एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, चूंकि गिफ्ट क्या है, एक टू वे ट्रांजैक्शन है, तो सेकंड पैरा में यह बताया गया है कि कब माना जाएगा कि जो डोनी है उसने गिफ्ट को रिसीव कर लिया है और अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को गिफ्ट दे दोगे, वो नहीं चाहता है रिसीव करना, फिर भी आप उसे फोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, कब माना जाएगा
कि गिफ्ट जो डोनर दे रहा है उसका एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा कर दिया गया है, उसे ही सेकंड पैरा में बताया गया। देखो तीन बातें कही गई हैं। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय डोनी मस्ट बी मेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर। डोनर जो भी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे रहा है दूसरे पर्सन को, जिसे हम डोनी कह रहे हैं, तो डोनी को वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेना है ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ डोनर, यानी डोनर के जीते जी अगर वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गिफ्ट क्या होगा, वैलिड होगा। यानी डोनर के मरने के बाद आप गिफ्ट को रिसीव कर रहे हो या गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो वो वॉइड होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी जो रिसीवर है वो एक्सेप्टेंस देने से पहले ही मर जा रहा है, ही इज नो मोर, तो भी क्या होगा, गिफ्ट वॉइड होगा। तो इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस गिफ्ट बिकम वॉइड। तीसरा, डोनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग गिफ्ट, यानी जो डोनर है ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग गिफ्ट, या दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हो डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तब होती है, इसे जानने के लिए हम सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखते हैं। यानी यहां कहा गया है कि जो डोनर है वो कैपेबल होना चाहिए ऑफ मेकिंग गिफ्ट, डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट ऑफ मेकिंग गिफ्ट, यानी मस्ट बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इनसेन, पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी कोर्ट। ये तीन कंडीशंस हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के सेक्शन 11 में हमें मिलते हैं। तो ये सभी कॉम्पिटेंसी को होल्ड करेगा कौन, डोनर। लेकिन कॉम्पिटेंसी टू एक्सेप्ट गिफ्ट ये एप्लीकेबल नहीं होता है डोनी पे। ठीक है, यानी डोनी अगर 18 ईयर से कम का है तो भी वो गिफ्ट को रिसीव कर सकता है, इफ ही इज इनसेन तो भी वो गिफ्ट को रिसीव कर सकता है। यानी डोनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग गिफ्ट एंड दीज कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन डोनी, डोनी पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट को यही लिख ले रहे हैं। चलिए, तो आई होप गिफ्ट क्या है वो सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट को पढ़ लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट लिखो, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का जिसे आप गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो, यानी आप उस पर फर्दर कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे रहे हो तो आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कर रहे हो, एब्सोल्यूट ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, ये मूवेबल भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकता है। क्लियर। तीसरा, ट्रांसफर मस्ट बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए ट्रांसफर। फोर्थ वन, ट्रांसफर मस्ट बी मेड
वॉलंटरीली, ठीक है, अपनी इच्छा से होना चाहिए, इट मीन्स फ्री विल। और पांचवा एलिमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय डोनी। तो दीज आर फाइव एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सेक्शन 122 जो कि गिफ्ट को डिफाइन करता है वो एकदम सिंपल मैनर में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने कल के वीडियोस में हमने सेक्शन 122 को स्टार्ट किया था। हमने ये समझा कि गिफ्ट क्या है विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। तो आई होप सेक्शन 122 जो गिफ्ट को डिफाइन करता है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 123 के बारे में बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 123 कहता है ट्रांसफर हाउ इफेक्टिव और हाउ ट्रांसफर थ्रू गिफ्ट विल टेक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो हमने गिफ्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया है तो ये ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट माना जाएगा, इसी के बारे में सेक्शन 123 बताता है। क्लियर। हमने ये जाना कि गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी है इट कैन बी मूवेबल एंड इमूवेबल, वो मूवेबल भी हो सकता है इमूवेबल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट हाउ मेड। यानी अगर डोनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को देता है तो इस ट्रांजैक्शन को कब कंप्लीट माना जाएगा, आइए समझते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट। क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई पर्सन गिफ्ट के माध्यम से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट। आगे इन केस ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, ड्यूली साइंड बाय डोनर और उसपे उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे डोनर का सिग्नेचर होना चाहिए और एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय डोनर, या किसी दूसरे पर्सन को अगर डोनर ने ऑथराइज कर दिया है कि तुम मेरे बिहाफ में एक्ट करोगे तो इफ डोनर इज नॉट प्रेजेंट तो वो ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर। एंड मस्ट बी अटैच्ड विद एटलीस्ट टू विटनेसेस, और कम से कम दो विटनेस वहां पे होने चाहिए। राइट तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होगा डोनर के साइन होने चाहिए, इन केस डोनर नहीं है तो पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय डोनर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर। और मस्ट बी अटैच्ड बाय एटलीस्ट टू विटनेसेस, कम से कम दो गवाह होने चाहिए। क्लियर। चलिए तो ये है पूरा प्रोसेस इफ डोनर वांट्स टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट टू डोनी देन ही मस्ट हैव टू फॉलो ऑल दीज प्रोसेसेस, उसे इन सभी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। क्लियर।
दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट हाउ मेड। अब ये भी हो सकता है कि जो डोनर है वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट देना चाहता है, किसको, डोनी को। तब क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो डोनर को फॉलो करने होंगे, देखो कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ऑफ डोनर, ये डोनर पे डिपेंड करता है, ही मे आइदर गेट इट रजिस्टर्ड और थ्रू मेल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। यानी अगर डोनर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है थ्रू गिफ्ट, तो ये उस पे डिपेंड करेगा, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकता है या थ्रू मेल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जैसे वो रजिस्टर नहीं कराए, वो केवल क्या करे, पोजेशन उस पर्सन को दे दे जिसे वो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अपॉन द ऑप्शन ऑफ डोनर, ही मे आइदर गेट इट रजिस्टर और मेल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब देखो एक केस है, गोमती बाई वर्सेस मुद्दूलाल। इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्क्राइबिंग एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टेटेड दैट, गोमती बाई वर्सेस मुद्दूलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर डोनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देना चाह रहा है तो उसे इन सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना है। नाउ व्हाट आर दीज एसेंशियल एलिमेंट्स, चलिए पहला कह रहा है इफ देयर इज नो रिटन इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एंड इफ नॉट ड्यूली साइंड बाय डोनर, और यदि वो रिटन इंस्ट्रूमेंट डोनर के सिग्नेचर को नहीं होल्ड कर रहा है या और बाय एनी पर्सन, जैसा कि मैंने बात किया ऑथराइज्ड बाय डोनर, ठीक है, एंड नॉट ड्यूली अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू विटनेसेस, और यदि कम से कम दो विटनेस नहीं है, इट विल नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट, ये वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर जो डोनर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देना चाह रहा है तो या तो वो रजिस्टर करा ले या नहीं भी कराता है तो भी क्या है, सब कुछ ठीक है। ऑलराइट, तो ये था सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप कि ये जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप चाहो तो ऐसे नोट्स बना सकते हो। तो मिलते हैं नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 124 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने चैप्टर 7 के सेक्शन 122 और 123 को कवर कर लिया है विद प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उन दोनों सेक्शंस को देख सकते हो, तब ये टॉपिक आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। चलिए सेक्शन 124 कहता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि गिफ्ट में हम बेसिकली दो तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। लेकिन जब हम सेक्शन 124 को देखते हैं तो ये दो और तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, एक एग्जिस्टिंग और दूसरा फ्यूचर प्रॉपर्टी। क्लियर है, देखो एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग का मतलब है प्रॉपर्टी विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहा है और जिसके ऊपर आपका ओनरशिप है एट प्रेजेंट, कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आपका है और जिसके ऊपर ओनरशिप आपका है उसे हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कहेंगे, और फ्यूचर प्रॉपर्टी मींस एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर
वो आपका होगा और आप उस पर ओनरशिप इंपोज करोगे अपना। तो फ्यूचर प्रॉपर्टी करेंटली इज नॉट योर प्रॉपर्टी, वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर आपका ओनरशिप नहीं है। इन फ्यूचर आपका उस पर ओनरशिप हो सकता है। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रोविजंस को होल्ड करता है सेक्शन 124 और ये कहता है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, और अगर हम फ्यूचर प्रॉपर्टी को जिसपे एट प्रेजेंट हमारा ओनरशिप नहीं है अगर हम उसे गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहें तो क्या वो वैलिड होगा, इसी के बारे में हमें इस सेक्शन में समझना है। चलिए देखो क्या कह रहा है। इफ यू आर ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन थ्रू गिफ्ट इट इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन। यानी अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसपे आपका ओनरशिप है एट प्रेजेंट, आप उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से दूसरे एक पर्सन को ट्रांसफर करते हो, इट इज वैलिड ट्रांजैक्शन। ये क्या है, ये वैलिड है। लेकिन अब फ्यूचर प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में क्या है, देखो इफ डोनर इज मेकिंग गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ही इज नॉट द ओनर करेंटली, यदि डोनर उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को जिस प्रॉपर्टी का वो ओनर एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बट ही विल गेट ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर, देन गिफ्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज वॉइड। ठीक है, तो इस बेसिस पे, इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी मेरा ही होना है, तो क्यों ना मैं आज इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को एज अ गिफ्ट दे दूं। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। यानी आप गिफ्ट के माध्यम से केवल उसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो जिसपे आपका ओनरशिप एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ओनली गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज वैलिड, वो क्या है, वही वैलिड है। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज इनवैलिड, क्या है, इनवैलिड है। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है गिफ्ट कॉम्प्राइजिंग ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी लेटर पार्ट इज वॉइड। यानी कह रहा है कि मान लो कोई ऐसा गिफ्ट है जो एग्जिस्टिंग भी है और फ्यूचर प्रॉपर्टी भी है, तो अगर हम उसे एज ए गिफ्ट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो लेटर पार्ट है यानी जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वॉइड होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक, ये बी सी डी एंड ई, बी सी डी ने सोल्ड देयर लैंड टू ए, बी सी और डी ने अपने लैंड को, अपने फील्ड को किसे बेचा है, ए को बेच दिया है। तो फील्ड ऑफ बी सी एंड डी, देखो फील्ड ऑफ बी सी एंड डी इज ना क्या है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, किसका है, ऑफ ए, ए का है। क्यों, क्योंकि ए नाउ पॉसेस ओनरशिप ओवर लैंड ऑफ बी सी एंड डी। अब मान लो मैंने तीनों के बारे में बात कहा, एक बी सी डी, ठीक। अब मान लो ए गिफ्टेड फील्ड ऑफ बी सी डी अलोंग विथ फील्ड ऑफ ई टू एफ। अब मान लो ए ने बी सी और डी के फील्ड को एज ए गिफ्ट देता है टू एफ अलोंग विथ फील्ड ऑफ ई, इस होप से कि देखो बी सी डी ने तो अपना फील्ड मुझे बेच दिया है
नहीं तो कल मजबूरी में ई भी अपने इस फील्ड को मुझे ही बेचेगा। तो इस होप के साथ, इस एजम्पशन के साथ मिस्टर ए क्या कर रहा है, बी सी डी के फील्ड को अलोंग विद फील्ड ऑफ ई किसे ट्रांसफर कर रहा है एज अ गिफ्ट, एफ को ट्रांसफर कर रहा है। नाउ देखो ये क्या है, ये तो है फ्यूचर प्रॉपर्टी। फील्ड ऑफ ई इज फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ ए, ठीक है। आगे कह रहा है देखो, तो यदि ए ऐसा करता है देन गिफ्ट ऑफ फील्ड कॉम्प्राइजिंग ऑफ लैंड ऑफ बी सी डी टू एफ बिकम वैलिड। तो एफ को इसने फील्ड दिया है ना, किसका किसका फील्ड दिया है, बी का, सी का, डी का और ई का। बी सी डी पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है किसका, ए का। तो जो पार्ट ऑफ गिफ्ट है कंप्राइजिंग ऑफ लैंड ऑफ बी सी डी वो क्या होगा, वो इतना पार्ट ऑफ लैंड एज ए गिफ्ट क्या होगा, वैलिड होगा। और ये जो लेटर पार्ट है जो कि फ्यूचर प्रॉपर्टी है जिसपे फ्यूचर में आपका ओनरशिप होना है लेकिन आप एट प्रेजेंट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो एज ए गिफ्ट, तो क्योंकि एट प्रेजेंट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लैंड सो आपके पास राइट नहीं है कि आप इसे एज ए गिफ्ट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करोगे। तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और बाकी ये जो पार्ट है क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ फील्ड कॉम्प्राइजिंग लैंड ऑफ बी सी एंड डी टू एफ इज वैलिड बट फील्ड ऑफ ई टू एफ एज गिफ्ट बाय ए बिकम वॉइड, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने इस डिस्कशन को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोनर है वो केवल उसी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर कर सकता है जिसपे वो ओनरशिप करंटली होल्ड करता हो। अगर वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो भले ही ये पॉसिबिलिटी रहे कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी मुझे आनी है, वो एज ए गिफ्ट उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्लियर है। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको सेक्शन 124 आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 125 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। अगर हम सेक्शन 125 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करें तो ये कहता है गिफ्ट टू सेवरल पर्संस ऑफ हूम वन डज नॉट एक्सेप्ट इट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सपोज तो मिस्टर ए इज डोनर, मिस्टर ए कौन है, डोनर है। ये एक गिफ्ट, ये एक प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देते हैं तीन पर्सन को, बी सी एंड डी। गिफ्ट एक ही है, सपोज दिस इज लैंड, ठीक है। और इस गिफ्ट के कई सारे क्या है, डोनीज हैं, राइट, बी सी एंड डी, दीज आर थ्री डोनीज। यानी गिफ्ट एक है और उस गिफ्ट को तीन पर्सन्स के फेवर में ट्रांसफर किया गया है, बी सी डी। इन तीनों ही डोनीज में से सपोज करो कोई एक डोनी इस गिफ्ट के फेवर में अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता है, यानी अमंग ऑल द डोनीज इफ वन डोनी इज नॉट गिविंग हिज एक्सेप्टेंस, अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा, उसी के बारे में ये सेक्शन डील करता है। आइए समझते हैं सेक्शन 125 गिफ्ट टू सेवरल पर्सन्स यानी सेवरल डोनीज
many donis, of whom जिनमें से वन धोनी does not accept it. Clear है? तो ये कह रहा है gift of a thing to two or more donis, अगर कोई चीज दो या दो से अधिक donis हो as a gift दिया जा रहा है जिनमें से कोई एक donee उसे accept नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा void होगा to that extent not accepted by such donee. Clear है? जैसे मान लो this particular field of land gift दिया गया मिस्टर ए के द्वारा तीन persons को बी सी डी और this much part of land belongs to B, this much part of land belongs to C और ये part of land जो है as a gift belong करेगा D को. B और C ने अपना acceptance दे दिया तो the part of gift which had been accepted, gift का वो part जिसे दोनी ने accept कर लिया है उतना part क्या होगा valid होगा और rest of the part जिसे दोनी ने अगर डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा. ठीक है तो यही एग्जांपल में है. ए गिफ्टेड दिस लैंड, ये लैंड है ए का. ठीक है नाउ गिफ्ट ऑफ दिस लैंड, ये जो लैंड है का ये जो फील्ड है बाय ए इन्वॉल्व थ्री डोनीज, इसमें तीन डोनीज हैं बी सी एंड डी. स्टेप थ्री में कह रहा है बी एंड सी हैड गिवन देयर एक्सेप्टेंस, बी और सी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है यानी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो दिस मच पार्ट ऑफ गिफ्ट इज वैलिड. अब क्योंकि गिफ्ट के इतने पार्ट पर डोनीज का एक्सेप्टेंस मिल गया है तो इतना पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या होगा वैलिड होगा. राइट और स्टेप फोर क्या है डी had not shown his interest, क्योंकि D ने अपना interest नहीं show किया और as a result अपना acceptance नहीं दिया then this much part of gift is void. So gift का जो इतना part होगा वो क्या हो जाएगा void हो जाएगा. तो यही था section 125. I hope कि इस example से इस diagram से आपको section 125 आसानी से समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है. सेक्शन 126 स्टेट्स व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, तब गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा. नाउ सस्पेंशन और रिवोकेशन, सबसे पहले इन दो वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं. चलिए सस्पेंशन का मतलब है टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग फॉर अ टाइम. जबकि रिवोकेशन का मतलब है टू कैंसिल समथिंग ऑफिशियली एंड मेकिंग इट इनवैलिड. यानी सस्पेंशन का मतलब है किसी चीज को कुछ समय के लिए कैंसिल कर देना, जबकि रिवोकेशन का मतलब है किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल करना और उसे इनवैलिड डिक्लेयर करना. राइट तो सेक्शन 126 कहता है व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड. क्लियर है? इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने चार पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन चार पॉइंट्स के माध्यम से हम उन सभी कंडीशंस को या उन सभी सिचुएशंस को
समझने की कोशिश करेंगे जिसके तहत गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, द डोनर एंड डोनी। डोनर और डोनी हु आर दे? ये है पार्टीज ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। डोनर एंड डोनी दे आर पार्टीज ऑफ गिफ्ट। तो डोनर एंड डोनी मे अग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट गिफ्ट शैल बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड। देखो डोनर और डोनी इस बात पे अग्री कर सकते हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट, इस स्पेसिफिक इवेंट के हैपन होने पर या कंप्लीट होने पर गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। तो अगर वो स्पेसिफिक इवेंट हैपन होता है तो गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। क्लियर है? यानी पहले पॉइंट में हमने ये जाना कि गिफ्ट का सस्पेंशन या रिवोकेशन डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए गिफ्टेड हिज फील्ड टू बी। ए ने अपने इस फील्ड को बी को एज ए गिफ्ट दिया विथ बीज एसेंट। अब बी के सहमति से कि ही रिजर्व्स राइट टू टेक बैक फील्ड इन केस बी एंड हिज डिसेंडेंट्स डाइज बिफोर ए। यानी इस इलस्ट्रेशन में हमने यह समझा कि ए अपने इस फील्ड को बी को ट्रांसफर करता है एज ए गिफ्ट। डोनर कौन है? ए है। हु इज डोनी? बी। अब बी के सहमति से कि ए इस फील्ड को वापस से अपने पास लाएगा इन केस बी और उसके डिसेंडेंट्स ए के जीवित रहते मर जाते हैं तो। राइट? यानी अगर बी एंड हिज डिसेंडेंट्स डाइज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए, फील्ड विल रिवर्ट बैक टू ए। जो फील्ड है, जिस फील्ड को ए ने बी को एज ए गिफ्ट दिया है, वो वापस से ए के पास आ जाएगा। ठीक है? अब मान लो बी इज हैविंग नो डिसेंडेंट्स एंड डाइज इन एज लाइफ टाइम। अब क्योंकि बी का कोई डिसेंडेंट नहीं था और बी की मृत्यु ए के जीवित रहते हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि स्पेसिफिक इवेंट गेट्स हैपेंड, अब क्योंकि जिस स्पेसिफिक इवेंट को डोनर और डोनी ने मेंशन करा था वो स्पेसिफिक इवेंट फुलफिल हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डोनर के पास ये राइट है कि वो उस फील्ड को वापस से अपने पास ला सकता है। क्लियर है? तो पहला सिचुएशन या पहला कंडीशन जिसमें हमने देखा कि रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट। क्लियर? ओके, अब दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं, तब गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। क्लियर? द डोनर एंड डोनी मे अग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट एंड दैट इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ डोनर गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। अब कह रहा है डोनर और डोनी अग्री होते हैं इस बात पे कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट, और वो जो स्पेसिफिक इवेंट है जिसके हैपन होने के बाद या जिसके पूरा होने के बाद
गिफ्ट का सस्पेंशन और रिवोकेशन होना है. दैट स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन विल ऑफ डोनर. क्या कहा गया कि ये जो स्पेसिफिक इवेंट है वो मस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ डोनर, डोनर के मर्जी के अनुसार नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी दैट स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ डोनर. अगर ऐसा होता है तभी गिफ्ट का सस्पेंशन या रिवोकेशन होगा. लेकिन अगर डोनर और डोनी इस बात पे अग्री होते हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट, और अगर वो स्पेसिफिक इवेंट डोनर के विल के अकॉर्डिंग है, तब गिफ्ट को वॉइड माना जाएगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं. जैसे मान लो ए गिव्स रुपीज 1 लाख, ए 1 लाख रुपए एज ए गिफ्ट देता है किसको, बी को. ठीक है, विथ बीज एसेंट, बी के सहमति से ही हैविंग राइट टू टेक बैक दिस अमाउंट एट एनी टाइम आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर. ठीक है, देखो ए बी को 1 लाख रुपए देता है और बी के सहमति से वो एक राइट रिजर्व करता है खुद के लिए कि फ्यूचर में, नॉट एट प्रेजेंट, लेकिन फ्यूचर में किसी भी टाइम जब भी उसका मन करेगा वो इस 1 लाख रुपए को वापस से बी से ले लेगा. नाउ देखो जो स्पेसिफिक इवेंट है विच इज टेकिंग बैक ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम बी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ डोनर. तो अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट है जो स्पेसिफिक इवेंट डोनर के विल के अकॉर्डिंग है, तो वैसे कंडीशन में जो गिफ्ट होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा, और उस सिचुएशन में रिवोकेशन या सस्पेंशन का कोई बात नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गिफ्ट इज कंप्लीटली वॉइड. क्लियर? चलो, तो कह रहे हैं द गिफ्ट शैल बी वॉइड कंप्लीटली एज इट डज नॉट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ वैलिड गिफ्ट. क्लियर? लेकिन सपोज करो इस सेम इलस्ट्रेशन में अगर हम कुछ वेरिएशंस कर दें या डोनर कुछ वेरिएशंस कर दें, तब क्या होगा. जैसे मान लो ए गिव्स रुपीज 1 लाख टू बी, ए बी को 1 लाख रुपए देता है विथ बीज एसेंट, बी के सहमति से कि हिज राइट टू टेक बैक रुपीज 10,000 आफ्टर समटाइम्स इन फ्यूचर फ्रॉम दैट अमाउंट. ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया और बी का एसेंट है, मतलब बी की सहमति है कि ए उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए आफ्टर समटाइम्स किसी भी समय बी से ले लेगा. तो यहां पे देखो गिफ्ट के जितने पार्ट पर डोनर का विल डिपेंड करता है उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या होगा, वॉइड होगा, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिफ्ट विल बी वैलिड. यानी गिफ्ट के जितने पार्ट पर डोनर की मर्जी चलनी है या गिफ्ट का जितना पार्ट का एग्जीक्यूशन डोनर के विल के अकॉर्डिंग होना है उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट वॉइड होगा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. जैसे यहां पे उसके पास राइट है, डोनर के पास राइट है कि वो 10,000 रुपीज को जब चाहे तब ले सकता है बी से. तो अब क्योंकि दिस 10,000 रुपीज बिलोंग्स टू ए एंड इट डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ डोनर, तो इतना पार्ट ऑफ गिफ्ट यानी 10,000 रुपीज ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एंड रिमेनिंग 90,000 रुपीज ऑफ गिफ्ट क्या होगा, वैलिड हो जाएगा. यहां पे कह रहा है द पार्ट ऑफ गिफ्ट विच डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ डोनर वो क्या होगा, वॉइड होगा, एंड नो क्वेश्चन अराइजेस एज टू इट्स सस्पेंशन और रिवोकेशन. क्योंकि
जो पार्ट ऑफ गिफ्ट है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द विल ऑफ डोनर, तो वो क्या है? वॉइड है। इस एग्जांपल में हमने समझा, तो कोई भी रिवोकेशन या सस्पेंशन का बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे हम समझते हैं। अब एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, देखो कह रहा है गिफ्ट शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एंड एट मेन विल ऑफ डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट एज द केस मे बी। यानी यहां पे कहा जा रहा है जो गिफ्ट है इट शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे क्या था, यहां पे ये था कि अगर बी और उसके डिसेंडेंट्स ए के जीवित रहते मर जाते हैं तो पूरा जो गिफ्ट होगा वो क्या होगा? रिवोकेबल होगा। यानी गिफ्ट इज रिवोकेबल होली पूरी तरह से या इन पार्ट, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी कि गिफ्ट का रिवोकेशन होली होगा या इन पार्ट होगा, क्लियर। और आगे कह रहा है एंड एट मेयर विल ऑफ डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट एज द केस मे बी। यानी ये कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक इवेंट है और वो डिपेंड है ऑन द विल ऑफ डोनर, तो अगर पूरा इवेंट डिपेंड है ऑन द विल ऑफ डोनर तो वो क्या होगा? वॉइड होगा होली। और यदि गिफ्ट का कुछ पार्ट डिपेंड कर रहा है ऑन द हैपनिंग ऑफ विल ऑफ डोनर या ऑन द बेसिस ऑफ विल ऑफ डोनर तो केवल उतना पार्ट क्या होगा? वॉइड होगा, ठीक है। ये था। अब देखो अब हम तीसरे पॉइंट या तीसरे सिचुएशन या तीसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जब हम गिफ्ट का सस्पेंशन या रिवोकेशन कर सकते हैं, क्लियर है। आइए उसे भी समझ लेते हैं। अपने इस वीडियो में हमने सेक्शन 126 को स्टार्ट किया था और हमने ये जाना कि सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। इस पर्टिकुलर सेक्शन को सिंपल मैनर में समझने के लिए हमने इसे चार पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था और इस वीडियो में हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था विद प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 126 को ही कंटिन्यू करते हुए तीसरे पॉइंट को समझेंगे व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट कहता है प्रोविजन ऑफ रेसिशन मेंशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेम प्रोविजन अप्लाइज हियर आल्सो। ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेसिशन के जो भी प्रोविजंस हैं या रेसिशन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यहां भी अप्लाई होंगे। अगर हमें गिफ्ट एग्रीमेंट को रेसेंड करना है तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे और रेसिशन के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेसिशन? आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसमें रेसिशन क्या है? रेसिशन के पांच एलिमेंट्स हैं, उन पांचों एलिमेंट्स को आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं इन शॉर्ट व्हाट इज रेसिशन, ठीक है। रेसिशन का मतलब है
अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना रेसिशन कहलाता है, या रेसिशन का मतलब है बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जिस पोजीशन में थे बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट उन्हें उसी पोजीशन में लाना, दिस इज कॉल्ड रेसिशन, ठीक है। इस तरह से डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेसिशन को, ठीक है। तो रेसिशन का मतलब है अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रिंगिंग पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बैक टू द पोजीशन इन विच दे वर बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो पांच एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करने के पांच एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से आपको पता होगा? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो रेसिशन के यही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अगर हमें गिफ्ट अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी, अगर हमें गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसिंड करना है तो हम इन्हीं पांचों एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर डोनर ने ये प्रूव कर दिया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोनी, उसने डोनी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर किया है, या कोर्जन है, यानी इन पांचों एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को अगर डोनर प्रूव कर दे रहा है तो उसके पास राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट को रेसिंड कर सकता है और इस तरीके से गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक्ड हो जाएगा एंड प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू डोनर, प्रॉपर्टी फिर से डोनर के पास आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि बैकग्राउंड क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो, अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के बारे में बात करें तो देयर आर मैनी पॉइंट्स या मैनी एलिमेंट्स जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं, जैसे ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो उनमें से एक आता है आपका फ्री कंसेंट, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट क्या है? देखो, वैसे तो ये सभी चीजें आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लिंक कर सको कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को लिंक कर सको, इसलिए यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने में फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द एलिमेंट। नाउ फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री होते हैं अपॉन सेम थिंग इन सेम मैनर, तब हम कहते हैं कंसेंट इज फ्री, ठीक है। अब देखो, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड अंडर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, तो ये है आपका रेसिशन के एलिमेंट्स विच आर फाउंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एंड दीज सेम एलिमेंट्स ऑल्सो अप्लाइज ऑन रेसेंडिंग द गिफ्ट अग्रीमेंट। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो जो डोनर है वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसेंड कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, सिंपल समझो आप ऐसे, ठीक है। इफ ही प्रूव्स दैट, यदि वो प्रूव करता है कि he made gift of his property to Dhoni under undue influence of Dhoni, उसने अपने इस प्रॉपर्टी को डोनी को गिफ्ट दिया है और यहां पे उसका फ्री कंसेंट नहीं था, फ्री विल नहीं था, बट क्योंकि जो डोनी का पोजीशन है वो डोनर से हायर है
धोनी का स्टेटस डोनर से हायर है, तो धोनी के इन्फ्लुएंस में आकर के डोनर ने अपने प्रॉपर्टी को डर से क्या किया, एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया, या डोनर के साथ धोनी ने फ्रॉड किया है, या बाय मिस्टेक उसने अपने प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट धोनी को दे दिया है। तो अगर कहने का बात यह है कि अगर डोनर ये बात प्रूफ करने में सक्सेस हो जाता है कि उसने अंडर इन्फ्लुएंस में आकर के, कोर्सन में आकर के, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के तहत उसने अपने प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर किया है धोनी को, तो उसके पास राइट है कि वो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर सकता है एंड गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड एंड रिवोक्ड, एंड एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टी विच वॉज ट्रांसफर्ड, जिसे ट्रांसफर किया था डोनर ने धोनी को, वो रिवर्ट बैक कर जाएगा किसके पास, डोनर के पास। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो अब देखो कुछ बातें हमें नोट करनी है। जैसे ओनली डोनर इज लाइबल टू रेसिंग द गिफ्ट एंड नो अदर पर्सन, केवल डोनर के पास ये राइट है कि वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसिंग कर सकता है, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय डोनर, दैट पर्सन ऑल्सो हैव नो राइट टू रेसिंग द गिफ्ट अग्रीमेंट, उस पर्सन को भी राइट नहीं है कि वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसिंग कर सके। तो टू रेसिंग गिफ्ट अग्रीमेंट राइट किसके पास है, डोनर के पास है, क्लियर। देखो इनकेस डोनर इज नॉट अलाइव, इनकेस मान लो डोनर इज नॉट अलाइव, तो हिज डिसेंडेंट्स मे रेसिंग द गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके डिसेंडेंट जो है वो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अगर ये चीज प्रूफ करने में सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, या मान लो डोनर ने प्रूफ कर दिया था कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ धोनी ही ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट टू धोनी, और अगर डोनर इज नॉट अलाइव, तो उसके उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रेसेंड कर सकते हैं गिफ्ट अग्रीमेंट को, एंड कैन फाइल सूट इन कोर्ट, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं विद इन 3 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ रेसेशन। किस दिन से, जिस दिन ये प्रूफ हुआ कि अंडर फ्रॉड, अंडर मिस्टेक, अंडर अंडर इन्फ्लुएंस डोनर ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट टू धोनी, उस दिन से लेकर के विद इन 3 ईयर्स डोनर के डिसेंडेंट्स को क्या करना है, सूट फाइल करना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, किस कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्लियर। चलिए तो कह रहे हैं गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, ठीक है, ओके। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट को समझ लेते हैं, क्लियर है। देखो वीडियोस कई सारे हैं यूट्यूब पे जहां पे आपको बेयर एक्ट से ही समझाया जाता है, लेकिन आपको लिखना कैसे है, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन, आपको कैसे इन सभी चीजों को एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ये केवल आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए, ताकि और भी ज्यादा मोटिवेट होकर के मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता हूं, ठीक है। चल अब हम इसके फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, समझेंगे, क्लियर है। तो चलिए अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, यहां कह रहा है ट्रांसफर ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी बाय धोनी टू ट्रांसफरी विथ कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। अब देखो, अब जैसे मान लो ये था डोनर और ये था धोनी, ठीक है, इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था कि इस स्पेसिफिक इवेंट के हैपन होने पर गिफ्ट का रिवोकेशन या सस्पेंशन होना है। अब मान लो धोनी क्या करता है, उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को
करता है इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है और ये पर्सन उस प्रॉपर्टी को विथ कंसिडरेशन ले लेता है और इस ट्रांसफरी के पास नोटिस नहीं रहता है, ही हैविंग नो नोटिस अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसे ही हम इस लास्ट पैरा में समझेंगे। क्लियर है? चलिए, कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफरिंग हु परचेज्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम डोनी विथ कंसिडरेशन एंड हैव नो नोटिस ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। तो कह रहा है इस सेक्शन में, सेक्शन 126 में कोई भी बात ऐसी नहीं कही गई है जो ट्रांसफरी के राइट को अफेक्ट करता हो। यानी अगर मान लो डोनी ने गिफ्टेड प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया है और उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है विथ कंसिडरेशन, एक्टेड इन गुड फेथ और उस ट्रांसफरी को नॉलेज नहीं था, नोटिस नहीं था अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। तो ये जो सेक्शन है 126 वो उस ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दिस पैरा प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफरी टू हुम गिफ्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय डोनी हु परचेज द प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन एंड हैव नो नोटिस रिगार्डिंग रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ए ने एक कार गिफ्ट किया बी को, ठीक, विद अ कंडीशन, एक कंडीशन पे, दैट कि इफ ही कुड नॉट गेट 90% इन बोर्ड एग्जाम्स कार शैल बी रिवर्टेड बैक टू ए। ए ने बी को एक कार एज अ गिफ्ट ट्रांसफर करता है लेकिन एक कंडीशन इंपोज करता है कि अगर बी बोर्ड एग्जाम्स में 90% मार्क्स नहीं ला पाता है तो ये जो कार है वो वापस से ए के पास आ जाएगा। अब फर्ज करो ए बी, बी जो है वो चालान निकलता है, वो क्या करता है कार का पूरा यूज करता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देता है लेकिन एग्जाम के रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने से पहले वो क्या करता है उस कार को ट्रांसफर कर देता है या सेल कर देता है किसी दूसरे पर्सन को, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरी कहेंगे। ठीक है, तो अब मान लो ट्रांसफरी ने उस कार को परचेज कर लिया, ठीक है, और उसे नोटिस नहीं था अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे कंडीशन में ए जो है यानी जो डोनर है वो सी से कार नहीं ले सकता है, ही कैनॉट टेक बैक कार फ्रॉम ट्रांसफरी हु परचेज्ड द गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन एंड हैव नो नॉलेज अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। ठीक है, अच्छा, तो कह रहे सिंस सी हैज नो नोटिस, सी के पास नॉलेज नहीं था अबाउट रिवोकेशन और उसने प्रॉपर्टी परचेज करा बी से विथ कंसिडरेशन, तो जो डोनर है वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रिवोक नहीं कर सकता है, ही कैनॉट रिवोक द गिफ्ट अग्रीमेंट एंड कैनॉट टेक बैक और कैनॉट रिकवर कार फ्रॉम होम फ्रॉम ट्रांसफरी। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पैरा है वो ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है,
जिसे बोनी ने अगर गिफ्टेड प्रॉपर्टी सेल कर दिया है और ट्रांसफरी ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है विद कंसिडरेशन और उसके पास नॉलेज नहीं है अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट, तो डोनर ट्रांसफरी से उस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ये था सेक्शन 126। आई होप कि सेक्शन 126 एकदम सिंपल मैनर में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 127 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 127 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद ओनर्स गिफ्ट। इस एक्ट का सेक्शन 127 ओनर्स गिफ्ट को डिफाइन करता है। सबसे पहले हम ओनर्स वर्ड के मीनिंग को समझेंगे ताकि हमें ओनर्स गिफ्ट क्या है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखो, ओनर्स का मतलब होता है समथिंग विच कंटेन्स बर्डन और विच इंपोजेस चार्जेस। तो वो कोई भी चीज जो किसी ना किसी बर्डन को इंक्लूड करता है, थिंग्स विच कंसिस्ट ऑफ बर्डन, नोन एज ओनरस। ओनरस गिफ्ट क्या है? गिफ्ट विच कंटेन्स एनकंब्रांसेस। एनकंब्रांसेस क्या है? इट मीन्स चार्ज, ठीक है, और बर्डन, और इसे हम ट्रबल सम भी कह सकते हैं। तो ओनरस गिफ्ट का मतलब है एक ऐसा गिफ्ट विच इंक्लूड्स चार्जेस, विच इंक्लूड्स एनकंब्रांसेस और ट्रबलसम। क्लियर है? और ये जो एनकंब्रांसेस है जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, इट कैन बी इन मैनी फॉर्म्स, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज के फॉर्म में हो सकता है किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज, या लीज के फॉर्म में हो सकता है, या एनक्रोचमेंट के फॉर्म में हो सकता है, या लीन। तो इन सभी टर्म्स को कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं इनकम ब्रांसेस, राइट? तो एक ऐसा गिफ्ट जो अपने आप में किसी प्रकार का चार्ज इंक्लूड करता है उसे हम कहते हैं ओनरस गिफ्ट। आई होप कि ओनरस गिफ्ट क्या है इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ओनरस गिफ्ट को हम और भी सिंप्लीफाई करके 5 पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। आइए, पॉइंट 1 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है समटाइम्स व्हेन गिफ्ट इज मेड बाय डोनर टू डोनी, कभी कभी या कभी कभार डोनर जिस प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर करता है, इट मे कंटेन सर्टेन एनकंब्रांसेस। हो सकता है कि वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी जिसे डोनर एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है डोनी को, इट मे कंटेन सर्टेन एनकंब्रांसेस, यानी इट मे कंटेन सर्टेन चार्जेस। किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, लीज, एनक्रोचमेंट, लीन एक्सेट्रा। क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट। तो हमने अभी तक देखा कि डोनर ने जिस प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर किया, इट कंटेन्स व्हाट? इनकम ब्रांचेस, वो चार्जेस को इंक्लूड करता है। क्लियर? अब डोनी इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में डोनी
इफ विलिंग टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। अब देखिए, अब डोनी को ये पता है कि जो प्रॉपर्टी डोनर एज ए गिफ्ट मुझे ट्रांसफर कर रहा है, इट कंटेन्स इनकम ब्रांचेस, इट कंटेन्स चार्जेस ऑन इट। लेकिन ये बात जानते हुए भी डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? इफ विलिंग टू एक्सेप्ट द गिफ्ट देन ही विल हैव टू बियर इनकम ब्रांचेस ऑल्सो अलॉन्ग विथ टेकिंग पोजिशन प्लस ओनरशिप। क्लियर है? यानी डोनी इस बात को जानते हुए भी कि ये जो प्रॉपर्टी है जो मुझे डोनर एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है, इट कंटेन्स चार्जेस, इट कंटेन्स इनकम ब्रांसेस, ये जानते हुए भी अगर वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ही इज गिविंग हिज एक्सेप्टेंस, तो उसे उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी के ओनरशिप और पोजीशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस चार्ज को भी या उस बर्डन को भी एक्सेप्ट करना होगा। यानी डोनी हैव टू एक्सेप्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ गिफ्ट। क्लियर है? ओके। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं, डोनी हैव टू गिव हिज एक्सेप्टेंस इन रिगार्ड्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ गिफ्ट, अदरवाइज डिनाइड। तो अगर डोनी इन चार्जेस को जानते हुए भी एक्सेप्ट करना चाहता है तो गिफ्ट के टाइटल ऑफ ओनरशिप और पोजीशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस गिफ्ट में जो बर्डन है इन फॉर्म ऑफ चार्जेस उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसे कंप्लीटली डिनाई कर देना है। क्लियर? आगे नाउ मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट। अब देखो, आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय डोनी, टाइटल ऑफ डोनर्स ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी गेट्स एंडेड एंड डोनी शैल बी डीम्ड एज ओनर ऑफ सच गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय डोनी, एक बार जब डोनी उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में अपना एक्सेप्टेंस दे देगा तो जो डोनर का टाइटल ऑफ ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो एंड हो जाएगा और डोनी विल नाउ बी कॉन्सिडर्ड एज ओनर ऑफ दैट गिफ्टेड प्रॉपर्टी। क्योंकि ओनरशिप और पोजीशन डोनी के पास आ जाएगा तो टाइटल ऑफ ओनरशिप भी उसके पास आ जाएगा एंड ही इज नाउ कॉन्सिडर्ड एज ओनर ऑफ दैट गिफ्ट विथ, देखो नोट करने वाली बात यहां पे क्या है, ही विल बिकम ओनर ऑफ सच गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी he will be considered as owner of that gifted property right from the date of on which he had given his acceptance along with what along with encumbrances। ठीक है? यानी उसी दिन से उसे उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा और उसी दिन से प्रॉपर्टी के जो भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, डोनी को बिलोंग करेंगे। तो ही विल बिकम ओनर ऑफ सच गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी ओनर राइट फ्रॉम द डेट ऑन विच डोनी हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस, और उसी दिन से प्रॉपर्टी में जो भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, डोनी को बिलोंग करेंगे। क्लियर? अब आते हैं नाउ हमारा पांचवा पॉइंट क्या है। देखो, इन केस ऑफ ओनरस गिफ्ट, ओनरस गिफ्ट के केस में अभी हमने पढ़ा कि ओनरशिप
इज ट्रांसफर्ड विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ओनरशिप जिस दिन वो अपना एक्सेप्टेंस देगा उसी दिन से ओनर कंसीडर किया जाएगा. तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, लाइबिलिटी इज ट्रांसफर्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ. यानी इसका मतलब है कि देखो, मान लो इस पर्टिकुलर डेट पे डोनी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया, कोई भी डेट मान लो, तो इस पर्टिकुलर डेट पर धोनी के पास ओनरशिप आया. नाउ अगर उसी पर्टिकुलर डेट पर कोई लाइबिलिटी या कोई चार्जेस अराइज होते उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, तो वो एप्लीकेबल होते और धोनी विल बी मेड लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ दोज लाइबिलिटीज विच अराइजेस ऑन द डेट ऑन विच owner, sorry, on which Dhoni has given his acceptance. लेकिन देखो इस property पे जो charges हैं वो पुराने charges हैं, वो तब के charges हैं जब इस property का ownership किसके हाथ में था, was in the hand of donor. ठीक है, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ. यानी उस समय की लाइबिलिटी भी एप्लीकेबल हो जा रही है जिस टाइम डोनर वॉज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. एट प्रेजेंट ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है डोनी को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, लेकिन लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ. क्लियर है, एम आई क्लियर? तो आई होप कि ओनरस गिफ्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन से या इस सेक्शन से कई बार केस स्टडीज भी पूछे जाते हैं, तो एक इलस्ट्रेशन अभी हम यहां पे समझेंगे. ठीक है, आइए. सो व्हाट डू यू मीन बाय ओनरस गिफ्ट. तो इन शॉर्ट आप इसे डिफाइन करते हुए ये कह सकते हो, अ काइंड ऑफ गिफ्ट विच इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ चार्जेस और इनकम ब्रांचेस और ट्रबलसम और बर्डन नोन एज ओनरस गिफ्ट. क्लियर है? चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन से ओनरस गिफ्ट क्या है उसे और भी अच्छे से समझते हैं. मिस्टर एक्स जो कि कौन है, ही इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच वैल्यूज रुपीज 1.5 crores. मिस्टर एक्स एक प्रॉपर्टी के ओनर है जिसका वैल्यू 1.5 करोड़ है. मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पर मिस्टर वाई के पास रखते हैं. मॉर्गेज हिज property with Mr. Y against loan of rupees 80 lakh. तो Mr. X अपने इस property को जिसका value 1.5 crores है इसे mortgage के तौर पर Mr. Y के पास रखते हैं against loan of rupees 80 lakh. Yeah. अब देखो During the period of mortgage, Mr. X अपने इस property को gift करते हैं Mr. Z को. Mr. X during the period of mortgage gifted his mortgaged property to Mr. Z. Clear है? तो ये है illustration. अब इसे हम समझेंगे. देखो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ओनरस गिफ्ट के केस में जो ओनरशिप है इज ट्रांसफर्ड विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वेयर एज लाइबिलिटी इज ट्रांसफर्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट
क्लियर। अब सो कॉन्क्लूजन क्या है, देखो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है 1.5 crores, जिसे मिस्टर एक्स ने किप्ट एज मॉर्गेज, मॉर्गेज के तौर पर रखा है मिस्टर वाई के पास अगेंस्ट लोन ऑफ ₹80 lakh। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्गेज सच प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर जी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्गेज मिस्टर एक्स उस प्रॉपर्टी को मिस्टर जी को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पे मिस्टर जी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, या तो वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, और यदि वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं ही विल बी कंसीडर्ड एज ओनर राइट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस। जिस तारीख को, जिस दिन पे वो अपना एक्सेप्टेंस देंगे उसी दिन से वो ओनर कंसीडर किए जाएंगे, और उसी दिन प्रॉपर्टी पे जितने भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, मिस्टर जी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है इन केस मिस्टर जी डज नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, गिफ्ट को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, देन He is not liable for repayment. तो वो repayment of ₹80 lakh के लिए liable नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना acceptance नहीं दिया है। तो acceptance नहीं दिया है, it means उनके ऊपर charges नहीं आएंगे। ठीक है, but in case he is accepting the gifted property, यदि वो उस property को accept कर लेते हैं तो along with transfer of ownership plus possession उनके पास burden भी transfer होगा, उनको burden भी जाएगा, उनको charges भी जाएंगे, and he will be held liable for repayment of ₹80 lakh to इसको Mr. Vaik। clear है, तो I hope के इस video के माध्यम से onerous gift क्या है वो आपको सिंपल मैनर में समझ में आ गया होगा। ये पार्ट वन है। पार्ट टू में हम बेयर एक्ट कैसे ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करता है उसे भी सिंपल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए। अपने कल के वीडियोज में हमने ओनरस गिफ्ट क्या है उसे एकदम बेसिक वे में समझा था। आई होप कि ओनरस गिफ्ट क्या है वो आपको इस वीडियो में आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 127 जो ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करते हुए उसके प्रोविजंस को होल्ड करता है इसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 127 डिवाइड है 3 पैराग्राफ्स में, और इन्हीं तीनों पैराग्राफ्स के माध्यम से हम ओनरस गिफ्ट और उसके प्रोविजंस को समझेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओनरस गिफ्ट क्या है? ओनरस गिफ्ट अ काइंड ऑफ गिफ्ट विच इंक्लूड्स चार्जेस, जो चार्जेस इंक्लूड करता है, राइट? तो पैरा ए क्या है? वेयर अ गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर टू डोनी, जब डोनर अपने किसी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट ट्रांसफर करता है, किसको? डोनी को, सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से, यानी वन टाइम ट्रांसफर होता है वो, राइट? एंड गिफ्ट इंक्लूड्स सेवरल थिंग्स ऑफ विच वन गिफ्ट या वन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ इनकम ब्रांचेस। देखो, जब डोनर अपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से डोनी को ट्रांसफर करता है, और वो जो गिफ्ट है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, उसमें कई सारे चीजें हैं, यानी
गिफ्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ मैनी थिंग्स. क्लियर है? और इन सभी चीजों को गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा है. सिंगल ट्रांसफर किसको? धोनी को. आगे कह रहा है ऑफ विच वन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनकम्ब्रांसेस, जिसमें से किसी एक प्रॉपर्टी में चार्जेस हैं, या अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनकम्ब्रांसेस और चार्जेस, तो क्या होगा? देखो, तो इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं. मान लो डोनर है मेकिंग गिफ्ट ऑफ हिज थ्री प्रॉपर्टीज इन सिंगल ट्रांसफर. डोनर का ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो डोनर क्या कर रहा है? इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से, यानी एक ही बार एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है. किसको? धोनी को. क्लियर? अब आगे कह रहा है ऑफ विच प्रॉपर्टी वन, ये जो प्रॉपर्टी वन है इट कंसिस्ट ऑफ इनकम ब्रांचेस, इट कंसिस्ट ऑफ चार्जेस. और प्रॉपर्टी में जो चार्जेस होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? अगेन इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, लिन, इनक्रोचमेंट और लीज. ठीक है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं इनकम ब्रांचेस और चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. क्लियर है? तो डोनर ने अपने इन तीनों प्रॉपर्टीज को सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से धोनी को ट्रांसफर किया, जिसमें से एक प्रॉपर्टी जो है इट कंसिस्ट ऑफ एनकम्ब्रांसेस और चार्जेस. तो चार्जेस क्या है आपको समझ में आ गया है? जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज है या कोई प्रॉपर्टी लीज के तौर पे है, इट इज व्हाट? इट इज चार्ज ऑन दैट प्रॉपर्टी. ठीक है? तो आगे क्या कह रहा है? देखो आगे कह रहा है कि अगर धोनी गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, धोनी हैविंग टू ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक ही बार हो रहा है इन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफर, राइट? तो धोनी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर टू गिव हिज एक्सेप्टेंस और टू डिनाई इट. या तो वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे या इसे डिनाई कर दे. ठीक है? इन केस मान लो धोनी इज एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, इन केस धोनी इस गिफ्ट को यानी इन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ही हैव टू एक्सेप्ट गिफ्ट कंप्लीटली इंक्लूडिंग चार्जेस. तो उसे इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना है, राइट? अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी वन कंसिस्ट ऑफ चार्जेस तो वो इसे डिनाई कर दे और इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इन तीनों ही प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर सिंगल ट्रांजैक्शन में हो रहा है डोनर के द्वारा. तो अगर धोनी इसे एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना है, यानी उस प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट करना है जो कि इंक्लूड करता है चार्जेस को. ऑलराइट? अगर डिनाई कर रहा है तो कंप्लीटली डिनाई कर दी. एम आई क्लियर? चलिए, तो ये है पैरा वन. अब पैरा टू क्या कह रहा है? गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स. यानी सपोज करो कि डोनर इज गिफ्टिंग हिज प्रॉपर्टी. सपोज करो, ये एग्जांपल हम लेते हैं, डोनर अपने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है एज अ गिफ्ट टू धोनी. दो इंडिपेंडेंट और सेपरेट ट्रांसफर्स के माध्यम से, यानी अपने अपने एक ट्रांसफर में वो प्रॉपर्टी वन को ट्रांसफर करता है और दूसरे ट्रांसफर में वो अपने इन दो प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है. तो दिस इज व्हाट, दीज आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स बाय डोनर टू धोनी. ठीक है? तो अगर दो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स हैं तो कह रहे हैं इट इज अपॉन द ऑप्शन ऑफ धोनी, ये धोनी पे डिपेंड करता है. धोनी के पास लिबर्टी है, धोनी के पास फ्रीडम है, वो चाहे तो
किन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दे विच कंसिस्ट ऑफ चार्जेस लाइक प्रॉपर्टी वन, तो ही इज फ्री, क्योंकि हियर यहां पे क्या है, दो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स हैं, तो वो चाहे तो इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को डिनाई कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो ये है दूसरा पैराग्राफ, गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, तो डोनी इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट द वन एंड रिजेक्ट द अदर्स, लेकिन इन केस गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर्स, तो डोनी हैव टू एक्सेप्ट द गिफ्ट कंप्लीटली और रिजेक्ट इट कंप्लीटली, या तो वो कंप्लीटली एक्सेप्ट करें इंक्लूडिंग चार्जेस या तो डिनाई करें। क्लियर? चलिए अब अपने तीसरे पैराग्राफ को समझते हैं। अब कह रहे हैं, मान लो इन केस ओनरस गिफ्ट मेड टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन, मान लो ओनरस गिफ्ट हम किसी डिस्क्वालिफाइड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक ऐसा गिफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, और उस प्रॉपर्टी को हम किसे गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर्सन को जो कि क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। नाउ जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टू पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी मस्ट बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, और मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा उन्हें डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो दीज आर व्हाट, दीज आर थ्री ग्राउंड्स, ये तीन ग्राउंड्स हैं कॉम्पिटेंसी के। जब हम गिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि डोनर मस्ट होल्ड कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, डोनर जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, मस्ट नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन गिफ्ट के केस में जो डोनी होता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी चलेगा, यानी अगर लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज है तो भी वो डोनी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का है तो भी डोनी हो सकता है। एम आई क्लियर? अब देखो, तो यहां पे कह रहा है कि सपोज करो डोनी इज नॉट लाइबल टू पे इनकम ब्रांसेस, क्यों, क्योंकि डोनी क्या है, यहां पे डोनी एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, तो इनकेस अगर डोनर अपने किसी प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट उस पर्सन को ट्रांसफर करता है जो कि क्या है, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग है, इट मींस 18 साल से कम है या अनसाउंड माइंड का है या अदर जो क्राइटेरिया है उसमें अगर वो आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि ओनरस गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस दैट गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो अगर ओनरस गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है डिस्क्वालिफाइड पर्सन को तो वो लाइबल नहीं है टू पे इनकम ब्रांसेस। क्लियर? अच्छा, अब इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो अ पर्सन नेम्ड वॉई एंड ही इज अ माइनर, वो क्या है, माइनर है, तो मिस्टर एक्स अगर अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं मिस्टर वॉई को जो कि क्या है, माइनर है, यानी ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इस केस में मिस्टर वॉई चूंकि क्या है, ये एक माइनर है, तो ही इज नॉट लाइबल टू पे व्हाट, टू पे इनकम ब्रांसेस। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स का कोई प्रॉपर्टी था जिसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ था, राइट, मिस्टर एक्स ने अपने इस प्रॉपर्टी को जिसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ है इसे मिस्टर जी के पास सपोज करो मॉर्गेज के तौर पे रखा था, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने 80 लाख का लोन लिया था,
राइट, और मीनवाइल मिस्टर एक्स अपने इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जो कि क्या है, एक माइनर है। इज इट लाइबल टू पे इनकम ब्रांचेस? नो, ही इज नॉट लाइबल टू पे इनकम ब्रांचेस बिकॉज ही इज अ माइनर, ही इज अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आप देखो, अब हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लो आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब इनकेस एक समय के बाद मिस्टर वॉय 18 प्लस हो जा रहे हैं, एंड मिस्टर वॉय इफ वांटेड टू रिमेन एज ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, और ये मिस्टर वॉय का विल है कि वो उस प्रॉपर्टी के ओनर रहे, क्लियर। तो अब क्योंकि इन्होंने 18 इयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर लिया है, ही इज अ मेजर, तो जो लाइबिलिटी है टू पे इनकम ब्रांचेस विल फॉल ऑन हिम, वो उन पर फॉल करेगा, क्लियर। लेकिन 18 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी एज ऑफ मेजॉरिटी को कंप्लीट करने के बाद, अगर वो इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं रहना चाहते हैं तो इसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखो, एक और हम सिचुएशन लेते हैं। मान लो कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन था, जिसे मिस्टर एक्स ने अपने किसी ओनरस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था। तो जब तक वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जब तक वो अनसाउंड स्टेट में है, तब तक वो इज नॉट लाइबल टू पे इनकम ब्रांचेस। लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड से साउंड माइंड में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो चाहता है इस प्रॉपर्टी का ओनर रहना, तब ही इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ इनकम ब्रांचेस। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 127 जो ओनर्स गिफ्ट को डिफाइन करता है, वो चीज आपको और इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए। देखो, ऐसे नोट्स आप पेड कोर्सेज में भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो एक चीज जो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट किया है किससे? डोनर से। एम आई क्लियर? तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, अगर डोनर वेयर डोनर गिफ्ट्स होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपने पूरे प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है, किसको? डोनी को। तो डोनी उस सिनेरियो में यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अलोंग विथ एक्सेप्टिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टीज ही हैव टू एक्सेप्ट द डेब्ट्स या लाइबिलिटीज अटैच्ड विद प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये है यूनिवर्सल डोनी का कंसेप्ट, गिवन अंडर मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ में, मोहम्मदन लॉ में जो भी प्रोविजंस हैं गिफ्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर 7 के तहत जो प्रोविजंस हैं गिफ्ट के, वो अफेक्ट नहीं करेंगे मोहम्मदन लॉ में जो प्रोविजंस हैं गिफ्ट के उसको। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 128 एंड 129, इन दोनों ही सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके तहत हमने सेक्शन 122, 123, 124, 125, 126, 127 तक कवर कर लिया है विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम्पल्स। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के बचे हुए जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 128 एंड 129, इन दोनों ही सेक्शंस को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 128 यूनिवर्सल डोनी को डिफाइन करता है। कौन होता है यूनिवर्सल डोनी? देखो, जब डोनर ट्रांसफरिंग और मेकिंग गिफ्ट ऑफ होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू डोनी, देखो जब डोनर अपने पूरे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है गिफ्ट के माध्यम से, किसको? डोनी को, राइट, तब क्या होगा? देन ऑल द डेब्ट्स लाइबिलिटीज विल बिलोंग टू डोनी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू हिम।
यानी जब डोनर अपने पूरे प्रॉपर्टी को ऐसे गिफ्ट ट्रांसफर करता है किसको, डोनी को, तो जितना प्रॉपर्टी वो एज अ गिफ्ट ट्रांसफर करेगा डोनी को, डोनी इज पर्सनली लाइबल, डोनी पर्सनली लाइबल होगा टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल द डेब्ट्स ऑल द लाइबिलिटीज अटैच्ड विथ ऑल प्रॉपर्टीज गिफ्टेड टू हिम। तो जो भी प्रॉपर्टीज गिफ्ट किया गया है डोनर के द्वारा किसको, डोनी को, डोनी अगर उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है तो पर्सनली लाइबल होगा डेब्ट्स के पेमेंट के लिए। क्लियर? देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 127, सेक्शन 127 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, सेक्शन 127 किसे डिफाइन करता है, ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करता है। और ओनरस गिफ्ट क्या है उसे हमने एकदम डिटेल्ड वे में, एकदम सिंपल मैनर में, विद प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स इन दो वीडियोस में कवर किया है, तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। अच्छा, ओनरस गिफ्ट को पढ़ते समय हमने ये जाना था कि ओनरस गिफ्ट सेक्शन 127 के तहत तीन पैराज में डिवाइड है। पैरा वन कहता है गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर, दूसरा गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, और तीसरा पैरा ओनरस गिफ्ट मेड टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, और इसमें हमने जाना था कि अगर डोनर अपने किसी प्रॉपर्टी को विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर थिंग्स, ठीक है, डोनर अपने किसी प्रॉपर्टी को जो दो या दो से अधिक चीजों को होल्ड करता है, कंसिस्ट करता है, और अगर उस प्रॉपर्टी को डोनर ट्रांसफर करता है सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से किसको, डोनी को, तो अगर डोनी उस गिफ्ट को विच कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स एक्सेप्ट करता है तो कंप्लीटली एक्सेप्ट करना होगा। यानी अगर किसी थिंग्स में, अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का चार्ज है तो उसे भी एक्सेप्ट करना होगा, राइट? तो उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है, नहीं तो कंप्लीटली डिनाई कर देना है। इन सभी तीनों पैराज को हमने ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करते हुए अच्छे से समझा है, राइट? और दूसरा क्या था, गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, राइट? और तीसरा ओनरस गिफ्ट मेड टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अगर ओनरस गिफ्ट है और किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है, हम जानते हैं जो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है केवल डोनर के ऊपर, नॉट ऑन डोनी। तो अगर ओनरस गिफ्ट है, डिसक्वालिफाइड पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है, ही इज नॉट लाइबल, वो लाइबल नहीं है टू मेक द पेमेंट्स ऑफ चार्जेस, टू मेक द पेमेंट्स ऑफ एनकंब्रांसेस, ठीक है? क्योंकि ओनरस गिफ्ट का मतलब ही है अ गिफ्ट विच contains charges। तो ये कह रहा है subject to the provisions of section 127, यानी section 127 के provisions को consider करते हुए, in case donor is making gift of whole of his property, donor अपने पूरे property को as a gift transfer करता है किसको, donee को, तो donee पर्सनली लाइबल होगा फॉर ऑल द डेब्ट्स, उन सभी डेब्ट्स के लिए जो कि क्या है, अटैच्ड हैं उस प्रॉपर्टी से जिसे वो एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, किससे, डोनर से। एम आई क्लियर? तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अगर डोनर, वे डोनर गिफ्ट होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपने पूरे प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है किसको, डोनी को, तो डोनी उस सिनारियो में यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अलोंग विथ एक्सेप्टिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टीज ही हैव टू एक्सेप्ट द डेब्ट्स या लाइबिलिटीज अटैच्ड विथ प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये है यूनिवर्सल डोनी का कंसेप्ट। आई होप यूनिवर्सल डोनी क्या है आपको सिंपल वे में समझ में आ गया होगा, राइट? अब देखो सेक्शन 129 कहता है सेविंग ऑफ डोनेशंस, मॉडिस कॉसा एंड मोहम्मदन लॉ।
सेक्शन 129 ये कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर यानी चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर डज नॉट अफेक्ट, इस चैप्टर के यानी चैप्टर 7 जो गिफ्ट को डिफाइन करता है और उसके प्रोविजंस को होल्ड करता है, इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे इसको, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अगर डोनर अपने डेथ को जान रहा है, आफ्टर फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज डेथ, डोनर अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं वो उस ट्रांसफर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे या उस ट्रांसफर को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर डज नॉट अफेक्ट गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ गिफ्ट गिवन अंडर मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ में, मोहम्मदन लॉ में जो भी प्रोविजंस हैं गिफ्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर 7 के तहत जो प्रोविजंस हैं गिफ्ट के वो अफेक्ट नहीं करेंगे मोहम्मदन लॉ में जो प्रोविजंस हैं गिफ्ट के उसको। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ गिफ्ट गिवन अंडर मोहम्मदन लॉ इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 7 में जो भी गिफ्ट और उसके प्रोविजंस दिए गए उनसे। हमें क्लियर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्या है, लिमिटेड है, और इसे हमने अपने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था, राइट। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज लिमिटेड, इसलिए अगर कोई स्पेशल लॉज हैं जिनमें किसी प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना है वो सभी चीजें मेंशन है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के जो प्रोविजंस हैं वो उस पर प्रिवेल नहीं करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 129 ये कहता है कि इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं वो उन सभी ट्रांसफर को अफेक्ट नहीं करेंगे विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, मोर्टिस कॉसम यानी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, और दूसरा मोहम्मदन लॉ। क्लियर, तो ये था सेक्शन 128 और सेक्शन 129। आई होप इस छोटे से लेक्चर में सेक्शन 128 और 129 आपको आसानी से समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।